हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। वैसे तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हम लोग बहुत इलैबोरेटली ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट सो इलैबोरेटिवली बिकॉज नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू जस्ट डू इट फॉर द एग्जाम्स पर्पज। खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो बात जानना जरूरी है सो दैट एग्जाम में अगर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का एडजस्टमेंट आता है तो आप इजिली कर पाओ। खाली उतना सा फोकस रख के हम लोग एकदम कम से कम टाइम में इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग टेक एन एग्जांपल, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में आपको डेटर्स, बैड डेट्स और ओल्ड पीवीडीटी का जो बैलेंस ऑलरेडी चले आ रहा है वो दिया हुआ है। एडजस्टमेंट्स में आपको बोल रहा है कि फर्दर बैड डेट्स इज 10,000 एंड मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 6% ऑफ डेटर्स। ओके, तो कोई भी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट वाले कॉन्सेप्ट में आप देखोगे चार ही कॉम्पोनेंट होते हैं। चार कॉम्पोनेंट क्या क्या होते हैं? पहला हो गया ओल्ड पीवीडीडी, दूसरा हो गया न्यू पीवीडीडी जो आपको मेंटेन करना है, तीसरा हो गया जो ऑलरेडी बैड डेट दिया हुआ है, चौथा हो गया फर्दर बैड डेट जो दिया हुआ है। सर डेटर्स भी तो दिया हुआ है, डेटर्स इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, वो तो वैसे भी अपने को पता है कि करंट असेट्स में जाएगा। ओके, अपने को क्या करना है, ये चार कंपोनेंट को दो में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट इज ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, पुराना पीबीडीडी का जो बैलेंस चले आ रहा है उसको अलग रख दो। अपने इस एग्जांपल में ये कितना दिया हुआ है, 25,000, राइट। बाकी जो तीन कंपोनेंट्स है, न्यू पीबीडीडी, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, ये तीनों का समेशन को अलग रख दो। न्यू पीबीडीडी इस क्वेश्चन में कितना है? न्यू पीबीडीडी सर कैलकुलेट कैसे करते हैं? न्यू पीबीडीडी का मतलब ये हुआ जो बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट हम लोग मेंटेन करेंगे, दिखाएंगे, राइट। तो न्यू पीबीडीडी इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके मैं यहां पे दिखा रहा हूं। न्यू पीबीडीडी कैसे निकलेगा? डेटर्स दिया हुआ है कितना, 2,60,000, उसमें से लेस फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट अपने को बोल रहा है 10,000, जो बचेगा 2,50,000, इसका 6%, विच इज 15,000। सो न्यू पीबीडीडी इज 15,000, तो न्यू पीबीडीडी कितना हुआ, 15,000। बैड डेट ऑलरेडी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 6,000, फर्दर बैड डेट भी दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स में 10,000। ये तीनों का समेशन कितना हो रहा है, 15,000, 6,000, 21,000 एंड 10,000, 31,000। बस अपने को सिर्फ ये चारों कंपोनेंट को अलग अलग करके, ओल्ड पीबीडीडी को अलग कर दो, ये तीनों को अलग कर दो। ओल्ड पीबीडीडी टोटल देखो कितना है, 25,000, ये तीनों का समेशन देखो कितना है, 31,000। अगर ये तीनों का समेशन ज्यादा है, अगर ये तीनों का समेशन ओल्ड पीबीडीडी से ज्यादा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस साइड में हम लोग को इसको डिस्क्लोज करना है। कैसे करेंगे देखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे 2 बैड डेट्स, इंटरनल कॉलम में 6,000, एड फर्दर बैड डेट्स 10,000, एड न्यू पीबीडीडी कितना 15,000, टोटल कितना हो रहा है 31,000, लेस ओल्ड पीबीडीडी विच इज 25,000, तो पीएल में एक्सपेंस साइड में 6,000 आ गया। अगर ये सेम एग्जांपल सिर्फ इतना सा चेंज कर दें कि मान लो ओल्ड पीबीडी 25,000 की जगह 35,000 है, से फॉर एग्जांपल 25,000 की जगह 35,000 है, यहाँ पे 25 की जगह 35,000 है, तो अब दोनों को कंपेयर करो, ये तीनों का समेशन इज 31,000, बट ये अकेले ही 35,000 है। दैट मीन्स ओल्ड पीबीडी इज मोर देन द समेशन ऑफ दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स। In that case and only in that case, ऐसा केस होगा
कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं आके क्रेडिट साइड में आएगा. यहाँ पे नहीं आके अपने को इस साइड में लिखना होगा बाय ओल्ड पीबीडीडी 35,000 इंटरनल कॉलम में लेस न्यू पीबीडीडी विच इज 15,000 लेस बैड डेट्स विच इज 6,000 लेस फर्दर बैड डेट्स विच इज 10,000. 35,000 माइनस ये तीनों का समिशन विच इज 31,000 गिव्स यू 4,000. बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर दोनों ही केस में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा. बैलेंस शीट में तो, बैलेंस शीट में तो यहाँ पे डेटर्स इंटरनल कॉलम में 2,60,000 लेस फर्दर बैड डेट विच इज 10,000 इट गिव्स यू 2,50,000 लेस पीबीडीडी नया वाला विच इज 15,000 एंड यहाँ पे 2,35,000 आएगा. आपको इस चारों कंपोनेंट को छोड़कर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट में और कुछ भी अभी समझने का ज़रूरत नहीं है. अगर इससे ज़्यादा आपको जानने का ज़रूरत है तो अपने एग्जाम के बाद इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे. अभी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जाम्स, ओनली फोकस एंड ओनली स्टडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम राइट नाउ. बाकी समझने वाला काम बाद में कर लेंगे. इसके बाद भी अगर कुछ डाउट हो तो मेरा नंबर नीचे लिखा है, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, डू मैसेज मी फॉर एनी अदर कॉन्सेप्ट दैट यू वॉन्ट मी टू डिस्कस. थैंक यू सो मच.